Hello everyone, welcome to our channel. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पे गारंटी है कि दो तीन क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं चाहे वो यूपीएससी हो स्टेट पीएससी हो या बाकी एग्जाम्स हो टॉपिक इज़ नेशनल पार्क बायोस्फे रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ तो इस वीडियो में बेसिकली हम एम देखेंगे जो रेलिवेंट हैं एक्चुअली जो नेशनल पार्क बायोस्फेये रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट ओरिएटेड होते हैं तो हमने इस वीडियो में जो ट्वेंटी फाइव कवर किए हैं हमने इस तरीके से रखे हैं वो क्वेश्चन जो करंट में न्यूज़ में जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज थे वो इसमें कवर हो जाए तो एक वाइड कवरेज हो ऑल्सो इसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड अदर स्टेट पी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं ठीक है सो एंड so, तक बने रहिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव एंड दीज आर नॉट जस्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में चार चार ऑप्शन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी दिस इज अबाउट मी ये आप यहां पे पढ़ सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नेशनल पार्कस आर देयर इन इंडिया प्रेजेंटली कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में फर्स्ट ऑप्शन इज फोर्टी सिक्स देन वन हंड्रेड सिक्स एटीन और फाइव सिक्सटी फोर सो देयर आर हंड्रेड एंड सिक्स नेशनल पार्कस इन इंडिया प्रेजेंटली ठीक है तो इंडिया में प्रेजेंटली हंड्रेड एंड सिक्स नेशनल पार्क हैं फोर्टी सिक्स क्या हैं फोर्टी सिक्स आपके रामसर साइट्स हैं ठीक है फोर्टी सिक्स आपके रामसर साइट्स हैं एटीन आपके बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं 564 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज़ हैं लेकिन अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो वो आपके 106 हैं अब नेशनल पार्कस हमारे होते क्या हैं नेशनल पार्कस जो हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप आ, की आ, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई, तो नोटिफाई करती है दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एम से क्योंकि नेशनल पार्क को कौन नोटिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है तो नेशनल पार्क को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ठीक है बाई रीजन ऑफ इट्स की उसकी कोई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रही होगी कोई फोनल इंपॉर्टेंट मतलब एनिमल वाइज कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा जैसे कि अगर हम बात करें काजीरंगा तो वो राइनासोर्स वन हॉन राइनासोर्स के लिए बहुत फेमस है अगर हम सुंदरबंश की बात करें तो वो टाइम स के लिए बहुत फेमस है ठीक है वैसे गिर की ना, आ, बात करें तो वो एशियाटिक लाइन के लिए बहुत फेमस है तो फ्लोरल को ही रही होगी जियोमॉर्फोलॉजिकल रही होगी जोलॉजिकल एसोसिएशन या इंपॉर्टेंस रही होगी इसकी वजह से हम उसको प्रो, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपसे पूछा जा सकता है एम में कि कौन सा ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं होती है वो नेशनल पार्क है ठीक है सिर्फ आ, अगर आपने कुछ परमिशन लेनी भी है तो वही चीज़ें परमिट होंगी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आपका परमिट करेगा ठीक है सो दिस इज़ अबाउट सी ए लॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन स्टडीड इन क्वेश्चन नंबर वन इज सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर ऑन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था ठीक है ए ऑप्शन इज 1970 बी 1973 सी इज 1992 एंड डी इज 1981 तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी 1973 ठीक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 को आ, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था तो ऑब्वियसली टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ से लॉन्च किया था तो जिम कॉबिट नेशनल पार्क जो हमारा उत्तराखंड है उस वहाँ से सॉरी लॉन्च किया था टू तो प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ़ दी टाइगर ठीक है एंड ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ये जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर है ये लार्जेस्ट स्पीशीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव है ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड विच इज अ वेरी बिग थिंग ठीक है लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है हमारा द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सो किस कॉन्टेक्स्ट में एम स्ट्राइप्स हमारी न्यूज में रहती है ये आपका यू का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ए इज़ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फोना बी इज मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व थर्ड इज इंडिजिनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एंड डी इज सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज सो द करेक्ट आंसर इज़ बी मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स का अब ये एम स्ट्राइप्स है क्या एम स्ट्राइप्स है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस मतलब ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आपके इंडियन टाइगर रिजर्व्स में across, मतलब अक्रॉस इंडिया जो है ये लॉन्च हुआ है ठीक है इसका बेसिकली इसमें आप करते क्या है पेट्रोलिंग करते हैं सर्वेलेंस करते हैं जो एंडेंजर्ड बेंगलॉल टाइगर हैं ताकि इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके ठीक है इसको कौन एन में लिखा नहीं हुआ है सो एन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है आपकी इसमें इन्वॉल्व होती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक so, है बाय द इंडियन गवर्नमेंट्स एन टी सी ए नैशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सो एम स्ट्राइप्स किससे रिलेटेड है अब इसको आप अगर आप गैस करना चाहते थे तो कैसे गैस कर सकते थे स्ट्राइप्स आपको पता है कि टाइगर की जो बॉडी uh, होती है उसमें आपको ऐसे लाइन्स लाइन स्ट्राइप्स जैसे लगे होते हैं तो वहाँ से ये गैस वर्क करके आप यू कुड हैव अराइव टू द करेक्ट आंसर विच इज़ मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स ठीक है लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी दिस इज ऑल्सो ईयर क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे बिल्ट हो रही है इज इट इन दिल्ली इज इट इन मुंबई बिहार और उड़ीसा सो द करेक्ट आंसर इज सी बिहार ठीक है सी बिहार इज़ द करेक्ट आंसर तो इंडिया की पहली डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे बन रही है बिहार में अब इसको क्या बोला जाता है दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको घुमा के ऐसे भी पूछ सकते हैं विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है तो वो हमारी कहाँ पे है भगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तो बिहार इंडिया ठीक है ये किसके लिए बनाया गया ये एंडेंजर्ड गैंगटिक डॉल्फिन के लिए ताकि इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके ठीक है थीके? क्योंकि बहुत ही कम जो है ये यहाँ पे आपके रह गए हैं सो गैंगेटिक डॉल्फिन हैज़ डिक्लेयर एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हमारी नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन ठीक है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है वो हमारी बिहार में है ठीक है उसका जो है इट इज फॉर द एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन ठीक है लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज इट कान्हा इज इट दुदवा इज इट राजा जी और इज इट जिम कॉर्बिट नेशनल पार्क सो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है डी जिम कॉर्बिट जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था ये जो जिम कॉर्बिट नेशनल पार्क है सॉरी ये जो जिम कॉर्बिट नैशनल पार्क है ये हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क है एंड ओल्डेस्ट भी बोलते हैं आप इसको यहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की नाइनटीन सेवेंटी थ्री में शुरुआत हुई थी और ये बना कब था यह नाइनटीन थर्टी सिक्स में बना था एज हेली नेशनल पार्क एज हेली नेशनल पार्क ठीक है सो कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट द फर्स्ट एंड दी ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया नाइनटीन थर्टी सिक्स में बना था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज एंड इसको हेली नेशनल पार्क भी बोला गया आफ्टर विलियम मेलकॉम हेली जो कि गवर्नर थे उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविसेस के ठीक है अगर हम बात करें दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है तो दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी में है राजा जी कहाँ पे है तो राजा जी आपका उत्तराखंड में है ठीक है कान्हा कहाँ पे है तो कान्हा आपका मध्य प्रदेश में और ये मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ठीक है एंड 2022 में भी ये न्यूज़ में था इसलिए ये भी ये नेशनल पार्क भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों न्यूज में था ये क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो ये रिजर्व है वो नेशनल नाक्षिल कंट्रोल नेचुरलिज्म के कंट्रोल में आ गया था ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्कस हैं जिनका नाम जो है वो राजीव गांधी नेशनल पार्क लिखा गया है ठीक है ऐसे यूजुअली हम इसको ये, ये इसका हम इसे हम बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश वाला आंध्र प्रदेश में पाया जाता है लेकिन एक्चुअली इसका मोर देन वन करेक्ट आंसर है क्यों क्योंकि मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क उसको भी आप जो है जो राज, जो राजस्थान में उसको भी आप राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं नागरहोल को भी बोलते हैं जो कि कर्नाटका में है ओरैंग को भी बोलते हैं जो असम में है राजीव गांधी नेशनल पार्क रामेश्वरम वाला भी है हमारा आंध्र प्रदेश में इसको याद कैसे कर सकते हो जैसे जैसे आपका ये राजा है तो राजा क्या डालता है मुकुट डालता है तो राजा मुकुट डालता है उस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हो ठीक है तो नाटक कर्नाटका में नाटक और नागर नाटक नागर से आप याद कर सकते हो ठीक है हो गया हमारा आ, वैसे ही आप को याद कर सकते हो जैसे आसमानी रंग ठीक है तो आसमानी रंग और आंग में रंग आ रहा है आसाम में असम आसमानी आ रहा है तो ये आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं ठीक है पेरियार सॉरी आंसर दिख गया आपको सो so, पेरियार गेम सेंचुरी किसके लिए फेमस है तो पेरियार गेम सेंचुरी आपकी वाइल्ड एलफेंट्स है यूजुअली कर्नाटका तो सॉरी ये केरला तमिलनाडु यहाँ पर आपको एलिफेंट्स काफ़ी मिलते हैं तो ये वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए फेमस है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व इन साउथ सेंट्रल केरला स्टेट में जैसे ये है हमारा ठीक है यहाँ पर आपको यहाँ पे पेरियार मिलता है आपको द सेंचुरी इज़ नोटेड फॉर हर्ड्स ऑफ एशियन एलिफेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटला नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है ठीक है बेटला नेशनल पार्क पे सिचुएटेड है कहा झारखंड ए बी एम पी सी बिहार और डी ओडिशा सो द करेक्ट आंसर इज ए झारखंड इस बेटला नेशनल पार्क को हम पलामाऊ नेशनल पार्क भी बोलते हैं ठीक है इसको हम पलामाऊ नेशनल पार्क भी बोलते हैं सो so, बेटला नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटिव इन द दतेहर एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड पार्क होस्ट वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ये भी प्रोजेक्ट टाइगर से एसोसिएटेड है ठीक है नेक्स्ट है हमारा रानी झांसी मैरिटाइम नेशनल पार्क कब फाउंड हुआ था तो रानी झांसी मैरिटाइम नेशनल पार्क फाउंड हुआ था आपका कब हुआ था सो so ये हुआ था आपका नाइनटीन में ठीक है कब हुआ था 1996 में जस्ट में नाइन्टी में हुआ था ये ठीक है अब रानी झांसी ना, मरीन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल कब फाउंड हुआ था 1996 में अब एक ट्रिक मैंने बनाई थी कि अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड के जितने आ, आपके नेशनल पार्क्स हैं उनको याद करने के लिए ठीक है तो ट्रिक ये है कि आप कैंप पे गए कैंप पे कहाँ गए आप कैंप पे गए आप अंडमान निकोबार आइलैंड ठीक है कैंप पे गए आप अंडमान निकोबार आइलैंड लेकिन जब आप अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंचे तो आपको इतनी हैरानी हुई हैरानी क्यों हुई क्योंकि तो आपका गला सूख रहा था आपका गला सूख रहा था लेकिन आसपास पानी होने के बाद भी आपको पानी नहीं मिल रहा था ठीक है तो आप बहुत सैड हो गए जब आप सैड हो गए तो आपको गांधी जी के गांधी जी की याद आई कि गांधी जी ने बोला है कि हमेशा हर चीज़ का सल्यूशन ढूंढना चाहिए प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम को कोसना नहीं चाहिए बल्कि आपको सल्यूशन ढूंढना चाहिए तो आपने सल्यूशन क्या ढूंढा आपने जो आपके बटन थे ठीक है जो नॉर्थ में थे मिडिल में थे अपर में थे आपने वो खोले ताकि आपको करने के लिए आप ए, एक आपके दिमाग में बैठ गया तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको याद रहेगा तो क्या एक बार फिर से ट्रिक रिवाइज करते हैं क्या था कि आप कैंप पे गए कैंप पे कहाँ गए अंडमान निकोबार आइलैंड ठीक है वहां जाके आपको बहुत हैरानी हुई क्योंकि आपका गला सूख रहा था और आपको पानी नहीं मिल रहा था बावजूद इसके कि आसपास इतना पानी है, तो आप सैड हो गए लेकिन जब आप सैड हुए तो आपको गांधी जी की याद आई ठीक है तो गांधी जी हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाते थे तो आपने सोल्यूशन क्या ढूंढा आपने अपना नॉर्थ वाला मिडल वाला और साउथ वाला बटन जो है उसको खोल दिया ताकि हवा आए एंड फिर जो है आप में एनर्जी आई और आप झांसी की रानी की तरह आप में एनर्जी आ गई ठीक है सो उसी बिहाव पे सो so, रानी झांसी हमारा कहाँ पे है अगर मैं पूछूँ कैम्बल कहाँ है तो आपको इमिजिएटली स्ट्राइक करेगा कि ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में है ठीक है अगर मैं पूछूं कि गला सॉरी uh, so, गलेथिया कहाँ पे है तो गैलेथिया आपको याद आएगा कि अच्छा गला तो सूख रहा था जब हम अंडमान निकोबार आइलैंड में कैंप लगाने गए थे तो वो हमारा जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू और फिर आपको इसमें से जो है करेक्ट आंसर चूज करना है ठीक है सो so, आप ट्राई करें इसको जल्दी से और डू कामेंट नीचे कि आपका टोटल कितना स्कोर बन रहा है डजेंट मैटर कि अगर आपका कम भी बन रहा है मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी डाले हैं कुछ क्वेश्चन होंगे सिंपल लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी हैं तो कम भी बन रहा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप ऑनेस्टली अपना स्कोर नीचे मैंशन करें सो so, जैसे ये है नोकरिक मानस दिहांग दिबांग अगस्त मलाई और उस साइड है केरला असम मेघालय अरुणाचल तो आप मैच करें इसको पॉज करें वीडियो वो वीडियो को पॉज करें और उसको मैच करें ठीक है मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ देखिए नोकरिक जो है ना हमारा नोकरक है हमारा मेघालय में ठीक है नोकरक है हमारा मेघालय में मानस जो है आपका मानस है आपका असम में दिहांग दिबांग आपका है अरुणाचल में अगस्त मिलाई आपका है केरला में ठीक है इसको याद करने के लिए जैसे नोकरक नोकरक मेघालय में तो आप याद कर सकते हो तो कि जो मेघा है ना वो हमेशा नोकझोंक करती रहती है ठीक है मानस तो मानस जब मानस को कैसे आप याद रख सकते हो देखो मानस है हमारा इधर ए एस आ रहा है और इधर भी असम असम का ए एस और ये इस तरीके से आप याद याद कर सकते हो दिहांग दिबांग देखो इस दिहांग दिहा हैंग याद रखो और बैंग याद रखो ठीक है बैंगल बैंगल तो अरुणा ने अरुणा ने बैंगल को हैंग कर दिया ठीक है अरुणा ने बैंगल को हैंग कर दिया इस तरह से याद कर सकते हो आप अगस्त मलाई यूजुअली जहाँ पे मलाई आता है ना मलाई आता है ना तो वो केरला वाला एरिया जो है ना केरला तमिलनाडु वाला एरिया वो जो है आपका वहाँ पे मलाई मलाई मतलब आप उससे याद कर सकते हो कि केरला में होता है यूजुअली मलाई अगर सो so अगस्त मलाई आपका केरला में भी है बेसिकली जैसे ये एक मिनट सेकेंड हाँ तो uh, केरला जैसे है हमारा सॉरी uh, यहाँ पे है ये केरला है आपका तो जो अगस्त मलाई है वो आपको नीचे की तरफ मिलेगा ठीक है तो वो तमिलनाडु में भी उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका मिल जाता है ठीक है सो so, uh, ये हो गया हमारा इसमें हमने आंसर uh, कौन सा निकला फिर हमारा नोकरे का आ गया आपका मेघालय सो ए का थ्री ए का थ्री इसमें लगता है हाँ ये है हमारा ए का ये ए है ए का थ्री ठीक है बी का आ रहा है आपका मानस इज असम बी का टू सी है आपका फोर एंड डी है आपका अगस्त मलाई है आपका वन तो आपका बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होना था ट्रिक मैंने आपको बताई क्या नोकर मतलब जो मेघा है वो नोकझोंक करती रहती है मानस ए एस और असम का ए एस मैंने बताया दिहांग दिबांग ये अरुणा जो है वो हमारी बैंगल को हैंग करती है ठीक है फिर अगस्त मिलाई मलाई वाला मैंने बोला यूजुअली केरला होता है ठीक है तो नेक्स्ट पे ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया ठीक है अगस्त्य रिजर्व बायस रिजर्व इन इंडिया इस्टिश इन टू थाउजेंड वन लोकेट इन द सदर मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ठीक है और इसमें ये सारी ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और ये क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया यूपीएससी में तो आप ये पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज जो है हमारी वो अगस्थ्यलाई में आती है तो शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है नियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है कलकड़ ये मंदुथराय टाइगर रिजर्व भी आता है ठीक है तो ये हमारा जो मैंने बताया कि ऐसे हैं ये केरला है यहाँ पे नीचे की तरफ आता है और नीचे आसपास जो है ये एरियाज आपके पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क डज नॉट बिलोंग टू असम तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो असम में नहीं मिला आ, मिलता देखो इसमें से मानस मैंने अभी आपको बताया मानस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये सॉरी ये एएस है तो असम में पाया जाएगा ठीक है उसके अलावा मैंने अभी तक आपको कोई नहीं को, कुछ नहीं बताया हाँ मैंने आपको ये ज़रूर बताया दिहांग दिबांग मतलब जो अरुणा है वो आ, बैंगल को हैंग करती है अरुणा जो है वो बैंगल को हैंग करती है तो मतलब इन्होंने पूछा था कि कौन सा असम में नहीं है तो आपको आपने इस तरीके से आंसर निकाल दिया कि डी जो है वो हमारा वो तो अरुणाचल प्रदेश में है तो डी तो नहीं है बाकी सारे जो हैं वो असम में हैं ठीक है ठीके? बाकी सारे जो हैं वो असम में हैं तो ये हमारे सेवन नेशनल पार्क्स हैं असम के देखो डी 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 वाले ना उससे ही जब आप देखते हो ना ये सॉरी जो आपके अरुणाचल और असम में ना ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं ठीक है अगर हम इन नेशनल पार्क्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं आ, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं हमारे एक तो आपका आ गया देहिंग पटकाई एक आ गया आपका दिहांग दिबांग और एक गया आपका दिब्रू साइक होगा ठीक है एक आपको पता चल गया दिहांग मैंने बताया कि अरुणा हैंग करती है बैंगल्स को दूसरे दो क्या बचे आपके दूसरे दो बचे आपके दहेंग पटकाई एंड दिब्रू साइकोवा ठीक है तो ये जो दोनों हैं हमारे ये दोनों असम में है बाकी डीडी दोनों जो हैं वो आ, किस में हैं वो आपके असम में है दहेंग पटकाई भी और दिब्रू साइकोवा भी तो ये दोनों तो आपको याद हो गए ठीक है फिर असम की बात की ये हम असम का बता रहे हैं ना तो मानस आपने याद कर लिया ठीक है असम देखो असम ए और आम तो आम हो गया नाम ना मेरी इस तरीके से याद हो जाएगा रायोना राम राम नाम इस तरीके से आप इस इन दोनों को आप याद कर सकते हो ठीक है रंग मैंने बताया था कि आसमानी रंग आसमानी रंग से ओरैंग याद हो गया ठीक है काजीरंगा काजीरंगा बहुत फेमस है तो वैसे भी आपको मुझे लगता है कि ये पता ही काजी का होगा काजीरंगा का देहिंग पटकाय मैंने और दिब्रुसाईखोवा मैंने वैसे याद दिला दिया कि तीन डी आपके असम और अरुणाचल में है एक दिब्रुसाईखोवा देहिंग दहिंग दिहांग दिबांग और ये आपका दहिंग पटकाय तो दिहांग दिबांग जो है बैंगल वाला अरुणाचल में आ गया एंड देहिंग पटकाय और, और दिब्रूसाइक आपका असम में आ गया ठीक है चलो तो रायमोना जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है रायमोना भी इम्पोर्टेंट है हमारा एंड दहंग पटकाई भी क्योंकि दहिंग पटकाई आपका रिसेंटली सेवन नेशनल पार्क बना है असम का जो स्टेट गवर्नमेंट अगेन नेशनल पार्क कौन नोटिफाई करता है तो नेशनल पार्क हमारा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है और रायमोना जो है वो हमारा सिक्स नेशनल पार्क था असम का ठीक है एंड काजीरंगा एंड मानस ये दोनों हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मेगापोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया अब ये जो मेगापोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी रिसेंटली जेके एस फिल्म में पूछा गया था ये क्वेश्चन ठीक है और ये क्वेश्चन क्यों मैंने जैसे आपको बोला स्टार्टिंग में ही कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क बायसवर रिजर्व जो पूछे जाते हैं वो यूजली रिसेंटली जो न्यूज़ में होते हैं कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एड हुआ है या कोई रिसेंटली कुछ आ, ऐसी को, कोई न्यूज है न्यूज जो भी रिलेटेड होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब ये

जनवरी 2021 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ टू का सीरीज ऑफ डिसीशन वन ऑफ देम वॉज टू डी नोटिफाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरु इन निकोबार आइलेंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सॉरी बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज में था ठीक है ये कौन सी स्टेट में है ठीक है अब मैं आपको ऐसे हिंट दूंगी और आप खुद आंसर बताओगे कि शिकार कौन शिकार करने कौन सी इन यहाँ पे कौन से लोग हैं जो जा सकते हैं तो हम ऐसे यूजली जो धाकड़ होते हैं काफ़ी हरियाणा के लोग जो होते हैं जैसे तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो भी हमारा हरियाणा में तो सुल्तान हरियाणा से तो जो धाकड़ लोग होते हैं वो शिकार पर जाते हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये हरियाणा इसका आंसर होगा ठीक है so सो इसका आंसर है सी हरियाणा बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट इंडिया इट इस स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ सेवेंटी सिक्स पॉइंट्स सेवन सिक्स सेवन पॉइंट थ्री जीरो हेक्टर्स ठीक है एंड ये क्या हाउस करता है ये न्यूज़ में क्यों था क्यों वीर शिकार बीर शिकारगर डायरेक्टली न्यूज़ में नहीं था न्यूज़ में आपका था जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर वो क्योंकि ये जो है इसके अंदर है हमारा ये जो बीर शिकारगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसलिए जो है ये न्यूज़ में था ठीक है तो जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ये भी पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर है ठीक है तो ये हमारा हरियाणा में है इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी फॉर द ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वल्चर वल्चर को हिंदी में गिद्ध बोलते हैं ठीक है और हाउस जिसको चिड़िया बोलते हैं इट इज लोकेटेड विद इन द बीर शिकारगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द टाउन ऑफ पिंजोर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा तो ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आप अच्छे से देख लें एक बार फिर से ठीक है फिर से आपका मैच दो फॉलोइंग आ गया रामगढ़ विस्तारी सेंचुरी संजय गांधी नेशनल पार्क श्रीविलीपुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दूसरी लिस्ट में है आपके आंध्र प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र तमिलनाडु तो आप पॉज करके इसको इसका करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड करें पॉज करके तो अगर हम आए यहाँ पे तो अगर हम मैच करें तो देखें कौन दिनिया कौन दिनिया में आप याद रखो ये डी आता है और हमारी आंध्र प्रदेश की शेप ऐसे करके आती है ना तो डी से आप इस तरह इस तरह से थोड़ा तो याद कर सकते हो तो कौन दिनिया तो हमारा हो गया भाई आंध्र प्रदेश ठीक है उसके बाद हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क है हमारा महाराष्ट्र में श्रीविलिपु मेगा मलाई मैंने बोला था मलाई मलाई वाला यूजली क्या होता है तमिलनाडु या केरला में होगा तो मेगा मलाई टाइगर रिजर्व आपका हो गया तमिलनाडु में एंड रामगढ़ विश्वधारी जो है वो आ गया आपका राजस्थान में तो ए का हो गया टू बी का हो गया आपका थ्री सी का हो गया फोर एंड डी का हो गया वन तो ये आपका ए ही आंसर जो है वो करेक्ट आ गया ठीक है ए ही आंसर करेक्ट आ गया तो ये आ गया हमारा रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी तो ये आपका राजस्थान में हो गया राम से आप रा राज ऐसे कर सकते हो कि राजा राम जो है राम जो थे वो राजा थे तो इस तरीके से याद कर सकते हो संजय गांधी महाराष्ट्र में श्री मेगा मलाई मलाई मैंने बोला या तो केरला तमिलनाडु में से होगा कौन दिनिया मैंने बताया कि इस शेप का होता है जो है हमारा आंध्र प्रदेश ठीक है जब आप मैप देखेंगे तो जैसे ये केरला है हमारा ये तमिलनाडु है और ये थोड़ा ऐसे करके आंध्र प्रदेश आपको मिलेगा तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडेक्टेड एरिया डज नॉट बिलोंग टू केरला अब इनमें से कौन सा केरला को बिलोंग नहीं करता तो मलाई वाला है तो ये तो चलो करेगा शिवली पुथर फिर से मलाई आ गई तो ये भी कहीं ना कहीं करेगा ठीक है और पराम्बिकुलम परम्बीकुलम तो ये भी हमारा जो है वो केरला में है जो काजू वैली है ये आपका तमिलनाडु में है यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ है ठीक है ए आपका परम्बिकुलम आपका ये है यहाँ पे मिलेगा बी आपका अनामला यहाँ मिलेगा काजू वैली आपका यहाँ मिलेगा और डी जो आपका आ, नहीं ये मैंने गलत आ, किया हुआ है ये वाला जो है ना आपका दिस इज काजू वैली ठीक है ये आपका काजू वैली बर्ड सेंचुरी है काजू वैली बर्ड सेंचुरी जो है वो आपका तमिलनाडु स्टेट में लाया करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है सो तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बताएं जल्दी से कमेंट करें कि तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है तो इट इज इन छत्तीसगढ़ ठीक है कहाँ है ये छत्तीसगढ़ सो so, ये न्यूज़ में क्यों था ऑन ट्यूसडे अक्टूबर फाइव द एन टी सी ए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूव द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू डिक्लेयर द कंबाइंड एरियाज ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ अ टाइगर रिजर्व तो इन दोनों के कंबाइंड एरियाज को टाइगर रिजर्व बोला गया तो इससे आपने एक और क्वेश्चन सीखा कि जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो भी हमारा छत्तीसगढ़ में है ठीक है द न्यू रिजर्व इज लोकेट इन द नदन पार्ट ऑफ द स्टेट मतलब ये ये छत्तीसगढ़ है हमारा ये छत्तीसगढ़ का मैप है यहाँ पे नदन पार्ट में आपको मिलेगा ठीक है इधर आई एम रेफरिंग टू दिस वन ये छत्तीसगढ़ का मैप है हमारा तो इन नदन पार्ट में आपको मिलेगा दिस विल बी फोर्थ टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़ ठीक है फोर्थ टाइगर रिजर्व होगा इससे पहले कौन कौन से हैं उदांती सितान्दी अच अच्च, अचानकमर एंड इंद्रावती ठीक है इस पर भी हम हमको ट्रिक बनाएंगे एंड में नेक्स्ट uh, वीडियो में हम इस पर ट्रिक बता, बताएंगे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार तो इसमें हम एलिमिनेशन से करने का ट्राई करते हैं देखो सिंपली पर अगर आपको पता है तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है तो ये आपका कहाँ पर है ये आपका उड़ीसा में है ठीक है कुंबलगढ़ तोड़गढ़ सेंचुरीज आटापाका बर्ड सेंचुरीज ठीक है और वाल्मीकि इन तीनों में से कौन सा आंसर है तो ओनली नेशनल पार्क इन बिहार जो है हमारा वो है आपका बी ऑप्शन वाल्मीकि ठीक है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है इट इज़ अ टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार ठीक है अगर हम बात करें कुंबलगढ़ तोड़गढ़ सेंचुरी की तो यह, कहां यहाँ ये कहाँ पे है ये आपके राजस्थान में है ठीक है एन टी सी ए रिपोर्ट हैज़ रूल्ड आउट दी पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्लेयरिंग राजस्थान कुंबलगढ़ एंड तोड़गढ़ रॉली वाइल्ड लाइफ सैंकुरी अ टाइगर रिजर्व ठीक है तो उसको उन्होंने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने से मना कर दिया है ठीक है अटापक्का हमारे कहाँ है ए से अटापक्का ए से आंध्र प्रदेश तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो अटपटा आंध्र प्रदेश ठीक है जब डी शॉप शेप में है एक और हमने पीछे uh, बताया आंध्र uh, प्रदेश में कौन सा है कौन दिनिया जो मैंने बताया था ना कौन दिनिया में डी आता है तो ये डी शेप का ही होता है इसलिए तो इस तरीके से मतलब आप ऊटपटा कोई भी ऐसा न्यूमोनिक जिससे आपको याद रहे अल्टीमेटली uh, मकसद क्या है कि आपको याद रहे और जब आप क्वेश्चन पेपर में सामने वो चीज़ आए तो आप उसको कर पाएं ठीक है तो इसका आंसर हो गया हो गया हमारा आंध्र प्रदेश इन इंडिया प्रोजेक्ट एलिफेंट फॉर लॉन्च इन द ईयर इससे पहले हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था 1973 में और कहाँ से लॉन्च हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जिसको हम क्या बोलते हैं हेली नेशनल पार्क कब बना था 1936 में और प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा कब आया था ए 1968 बी 1970 सी 1972 डी 1992 सो so ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा डी आपका इसका करेक्ट आंसर है आपका डी 1992 ठीक है प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च इंड नाइन नाइनटी टू बाई दवर्वमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवाइरमेंट एंड फॉरेस्ट एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ठीक है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो एशियन एलिफेंट्स के लिए है बेसिकली ये उसके लिए लाया गया था ठीक है नेक्स्ट हम बात करें नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पे नहीं है अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं भी आता हो ना आप कैस कर सकते हो कौन सी ऐसी तीन स्टेट हैं जो आपस में टच करती करती जैसे ये है आपका अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो इस साइड है आपका ठीक है इस साइड है ये है आपका यूपी ठीक है बीच में आपका आता है एम हरियाणा ऊपर जाके हो गया ठीक है राजस्थान ये आता है तो हरियाणा का कोई लिंक नहीं बन रहा लेकिन इनका आपस में लिंक है ठीक है इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे तो यूपी का भी लिंक बन रहा है एमपी का भी बन रहा है राजस्थान का भी बन रहा है तो इसका सी का नहीं बन रहा तो इसलिए इसका आंसर सी हरियाणा होता तो नेशनल चंबल सेंचुरी ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल चंबल घाड़ियाल घाड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये फेमस है ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया ट्राई स्टेट कौन सी होगी हमारी यहाँ पे यूपी होगी यहाँ पे एमपी होगी यहाँ पे राजस्थान होगी ठीक है राजस्थान का बॉर्डर भी यूपी के साथ लगता है एमपी तो नीचे आ गया राजस्थान का बॉर्डर भी आपका यूपी के साथ लगता है ठीक है जस्ट अ सेकेंड सो नेशनल चंबल सेंचुरी ऑल्सो कॉल्ड एस नेशनल चंबल घारियाल वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया इन नद इंडिया फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकली एंड डेंजर्ड क्या बोला उसने क्रिटिकली एंडेंजर्ड घरियाँ तो ये आप आ, याद कर लें राउट रेड क्राउंड रूफ टर्टल एंड द एंडेंजर्ड गैंग्स रिवर डॉल्फिन तो इन तीनों के लिए जो है इन तीनों की प्रोटेक्शन के लिए तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चंबल रिवर पे लोकेटेड है ट्राई पॉइंट ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश ठीक है डचीगाम नेशनल पार्क किसके साथ स्टेटेड है वेरी वेल नोन हंगुल जिसको हम रेड स्टैग भी बोलते हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ठीक है डचीगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड ट्वेंटी टू किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर ठीक है इसका नाम डची गांव डच मतलब दस गांव मतलब गा विलेज तो टेन विलेजेस से इसका नाम पड़ता है ठीक है विच इज़ इन दी मेमोरी ऑफ द टेन विलेजेज एट रेलोकेटेड फॉर इट्स फॉर्मेशन हांगुल और कश्मीर स्टाइल के लिए फेमस है ठीक है फ्राम द इोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ़ द फॉलोइंगज यूम्स इम्पॉटेंस इन बींग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टन घाट्स एंड द वस्टन घाट्स यू पी एस सी प्रीवियसर क्वेश्चन तो ईस्टर्न घाट्स जैसे ये है हमारा यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स इनके मर्जर पर एक हमारा जो है आपका टाइगर रिजर्व या जो कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया तो इनमें से कौन सा है इसको अगर आप देखें तो सेचाचलम बायोस्फेर रिजर्व आपका आंध्रा में आता है नागरहोल आपका कर्नाटका में आता है ठीक है मल्ला फॉरेस्ट भी आंध्र प्रदेश में आते हैं तो कौन सा ऐसा आंध्र प्रदेश ऊपर है हमारा कौन सा ऐसा जो नीचे आने का आ, की संभावना रख रहा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ए जो है आपका वो आंसर होना था इसका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जिसको गेट वे टू वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं सिग्निफिकेंट इको सिस्टम एंड ए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इन द नीलगिरी बायोस्फे रिजर्व बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड रेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स ठीक है इसमें ये वाले सारे कि फाइव अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं इसके आसपास इनको आप एक बार देख लेना कि जैसे पीछे हमने एक और क्वेश्चन में देखा था कि पांच प्रोटेक्टेड एरियाज क्वेश्चन में पूछे गए थे ठीक फॉलोइंग नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायो टाइम एंड अगेन दिस हैज बीन आस्ट इन वेरियस वेरियस एग्जाम्स ठीक है एक तरीके से या दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से तोड़ मरोड़ के ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर है आपका क्या पूछा है कि बींग स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन है डेट सपोर्ट्स अ रिच बायो तो की बुल जाओ जो आपका मणिपुर में है ठीक है मणिपुर में है ये वाला नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है The Kibulamjo National Park is a national park in the Bishnupur district of the state of, state of Manipur in India, and it is the only floating part, uh, park in the world. That is why it is important because okay, it is the only floating park in the world. नेशनल पार्क इज़ कैरेक्ट्राइज बाय फ्लोटिंग डीकम्पोज प्लांट मटेरियल होता है जिसको फुमडी बोलते हैं तो काफ़ी बार पूछा गया कि फुमडीज़ कहाँ पे पाई जाती हैं काफ़ी बार पूछा गया विच इज़ दी ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड काफ़ी बार पूछा गया कि कीबुलम जाओ कौन से uh, जो है वो स्टेट में पाया जाता है तो ये टाइम एंड अगेन मतलब तोड़ मरोड़ के सेम क्वेश्चन पूछा गया दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्पलीटली कम्प्लीटली इन दी टेम्परेट अल्पाइन जोन ठीक है कौन सा इसमें टेम्परेट अल्पाइन जोन में, में लाइ करता है तो अगर आपको पता हो थोड़ा सा आइडिया आप लगाओ कि जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है तो ये आपका उत्तराखंड है न्योरा वैली कहाँ पे ये आपका वेस्ट बंगाल में है ठीक है नामदापा कहाँ पे आपका अरुणाचल में मानस कहाँ पे आपका मानस से ए एस असम असम में है तो अब यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा एलिवेशन पे कौन सा होगा कि वहां पे टेम्परेट अल्पाइन जोन काफी ऊपर वाली वेजिटेशन होती है ठीक है जिसकी हाइट काफी ज्यादा हो तो वो आपका डी ही मोस्ट मोस्ट्रेट इसमें लगता है तो एलिमिनेशन से आप कर सकते थे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज एन इंडियन नेशनल पार्क जो कब इस्टेबलिश हुआ था जो स्टैब्लिश हुआ था हमारा नाइनटीन में ठीक है उत्तराखंड में लोकेटेड है ये और इतने मीटर ऊपर जो है तभी इसको बोला जाता है कि अल्पाइन मतलब पार्क लाइज इन द कंप्लीटलीट अल्पाइन जोन इनमें से जो बाकी पार्क है ना जैसे मानस है हमारा मानस समय तो ये इसमें मिक्स कर काफी ऊपर जाओगे आप तो अल्पाइन भी आ सकता है लेकिन नीचे जो है वो मिक्स ट्रॉपिकल भी सब ट्रॉपिकल भी लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है कि कंप्लीटली वो टेम्परेट अल्पाइन जोन में है तो कंप्लीटली टे टेम्परेट अल्पाइन जोन में आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क होगा ठीक है नेक्स्ट है सलीम अली नेशनल पार्क ये तो अपना ही है तो ये इसका सी आंसर हो गया जे एंड के ठीक है सलीम अली नेशनल पार्क जो है एक और उनके नाम पे ये पड़ा था नेक्स्ट हमारा मैच तो फॉलोइंग आ गया वीडियो पॉज करें एंड इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करें जल्दी से ठीक है सेंस यू अटेम्प्टेड तो इन तानकी सी इन तानकी आपका है नागालैंड बेटला हमने पीछे भी पढ़ा था बेटला को पलामाओ भी बोलते हैं झारखंड सिरोही सिरोही है हमारा मणिपुर में मणिपुर में और कौन सा हमने पढ़ा कीबुलम जाओ ठीक है एंड गुंडी इज तमिलनाडु ठीक है आप इस तरह से तमिलनाडु नाडु गुंडी थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है सिरोही आप लगा लो कि मणिपुर में हमने कीबुलम जाओ किया था वो फ्लोटिंग गार्डन होते हैं तो उनको सिलना है आपस में तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सिलोही बेटला हमने देख लिया की हमने देख लिया ठीक है तो ये आप इसका हो गया ये करेक्ट आंसर आ गया आपके सारे ठीक है सो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हो गए सो दैट्स दैट सॉल्व फॉर टूडे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुत सारे इसमें नेशनल पार्कस ऐसे हैं जो न्यूज़ में हैं ठीक है तो कल हम इस पर और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे और एट द एंड मैं आपको एक मटेरियल भी दे दूँगी जैसे जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो जो आपके एटीन बायोसफर रिजर्व्स हैं वो आपको पता हूँ ठीक है मेन मैन नेशनल पार्कस हैं वो आपको पता हूँ तो वो मैं उस पी डी एफ के एंड में वो चीज वो चीज़ें अटैच कर दूँगी और ये पी डी एफ भी आपको जब वीडियो कम्प्लीट होगी ये भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे आप नीचे टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आप उसको ज्वाइन करें जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, वो हम वहां पर अपलोड कर देंगे सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच